प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने आपको सुबह सुबह जो क्वेश्चन बताए थे, देखिए वही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में आए हैं उसका आंसर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखना, देखिए ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपसे बोला था कि सही जोड़ियाँ आपकी वही आएंगी जो आप, अगर आपको प्लस माइनस इनटू करना और भाग देना आता है तो आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ये मैंने बोला था। और देखिए सही जोड़ियाँ आपकी बिल्कुल वही की वही आई हैं। देखिए ये, देखिए यहाँ पर आपको इनटू करना पूछा गया, यहाँ पर मैंने पॉइंट वाला ही बताया था, यहाँ पर ये आपका इनटू है, ये आपका भाग है, ये भाग है, ये प्लस करना है और ये भाग देना, यानी कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे, आकृति वाला मैंने बताया था, लेकिन मैंने आकृति आपको इस तरीके की कोई बताई थी, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था। मैंने इसलिए बताया था क्योंकि सभी के अलग सेट आएंगे, लेकिन हो सकता है कि सेट ए में जो मैंने बताया था वही आया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, मेथड वही है। अगर आपने सॉल्व किया होगा ना तो आप अच्छे अंक जरूर लाए होगे, पास भी हुए होगे। हिंदी का भी आपको बिल्कुल पेपर मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, तब तक आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए सॉल्यूशन करना है प्रश्न एक का। तो यहाँ पर खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो हमें खाली बॉक्स में बताना है तो संख्या कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब 2 का 16 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। यानी कि इसमें हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 4 का करेंगे 8, तो हो जाएगा 8, है ना। तो अब जब आपका LHS बराबर RHS आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 आपको सही कर देना है। इसके बाद देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप का होगा, तो किस भिन्न के रूप का होगा। तो मैंने बोला था कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे लोगोगे, कितने भाग छायांकित हैं, 2, तो 2/5 आपको कर देना है। इसके बाद देखिए, किन्हीं दो परिमित संख्याओं का गुणनफल होता है, तो मैंने योगफल बताया था, योगफल भी पूछा गया है नीचे आपको रिक्त स्थान में, और गुणनफल किन्हीं दो परिमित संख्या, मान लीजिए ये एक परिमित संख्या है 4 × 5, है ना। अब परिमित संख्या बोलेंगे सर ये कैसी परिमित संख्या, देखिए आप जानते हैं कि नीचे एक रहता है तो वो अंश बटे हर के रूप में लिखोगे, तो उसे हम परिमित संख्या बोलते हैं। तो 20 भी क्या एक परिमित संख्या होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सदैव एक परिमित संख्या होती है। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो 0. यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, 0.25 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 0.25 है, तो आपको यहाँ पर 0.25 लिख देना है, ठीक है, 0.25 इंटू 0.4, है ना। तो ये आपको कर देना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्टली कर लेना। तो आप जब करोगे, देखिए मैं करके बता देता हूँ, तो 4 का 5 में करोगे तो 4 × 5 = 20 की 0 वहाँ से लाई 2, 4 × 2 = 8, 2 = 10, है ना। तो 10 की 0 वहाँ से लाई 1, 4 का 0 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। पर इसके बाद ऐसे इसमें 0, ये तो 0 हो जाएगा, पर इंटू करके 0 0 0 जोड़ोगे ना, तो ये आपका 0, यहाँ पर 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 0 0, जिसका मतलब कितनी बार लगेगी, 3 संख्या बाद, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर रहेगा 1 रहेगा। ओके देखिए 3 संख्या थोड़ी मिस्टेक कर दी गई है, इसका मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जब तक आप ये देख लीजिए, ये पहले मैं कंप्लीट बता देता हूँ कौन कौन से जो क्वेश्चन बताए मैंने। देखिए ये वाला बताया था, और एक कमेंट भी आया था सर 2 की पावर 5 होगा, है ना, आपका ये कर लिया होगा आपने, जिस भी स्टूडेंट्स ने किया था वो मैं अब उसी स्टूडेंट्स ने ये आसानी से कर लिया होगा इस क्वेश्चन का, है ना। इसके बाद यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य, इससे ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, तो 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 60 रुपये, तो 1 पेन का मूल्य, तो हम जानते हैं 1 दर्जन में कितने 12 पेन होंगे, है ना। तो 12 पेनों का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 पेन का कितना होगा, 60/12, यानी कि 1 पेन का मूल्य 5 रुपये होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था। देखिए घटाने पर मैंने बोला था अंश और हर को आपको घटाना आना चाहिए, है ना। भागफल ये आपका भाग दिया गया है शेषफल वाला, है ना, ये आपका देखिए शून्य मैंने बोला था, यही क्वेश्चन दिया गया था कि 4x बराबर आप इसको 3 करेंगे, x बराबर आपका 3/4, बस संख्या मैंने थोड़ी चेंज कर दी थी। ओके इसके बाद स्थानीय मान, देखिए मैंने 2 और 8, 7 का स्थानीय मान बताया था, लेकिन इसमें 8 का पूछ लिया, तो यहाँ पर 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, -5 और ये +8 और -3, है ना। तो -5 और -3, -8 हो जाएगा +8, यानी इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। ओके तो यहाँ से आप देखोगे ना वही क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें आप करोगे तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 7 कितना होता है, 105, तो आपको ये वाला कर लेना है, है ना। इसका आप भाग दोगे तो कितना, पहले आप देखो 18 एकम, आप कितने बार जा रहा है इसमें भाग,
तो जैसे आप भाग दोगे तो इसका ये कितने -28 बार जाएगा। ओके, यहाँ पर आप इसमें आपको ये कल इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका सामने वाला हो जाएगा। देखिए सामने सामने वाले आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब इसके बाद आप अगला देखोगे तो ये आपको ऐड करना रहेगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैंने बोला तो वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष की दूरी, ये एक व दो के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है, तो आप लिख दोगे। ये मैंने मल्टीप्लाई वाला दिया था, मैंने दिया था 2√8 × 6√8 दिया था। अगर आपको इंटू करना मैंने बताया था किस तरीके से, तो उसी तरीके से आपने इसको कर लिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये चतुर्थांश वाला मैंने बताया था किस स्थिति में होगा। इसके बाद देखिए मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि शून्य होते हैं। पुस्तक के एक घनाकार ठोस आकृति होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो ये बेलनाकार होती है। ओके, देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर बिंदु 0-5 बाय एक्स पर स्थित होगा, तो क्योंकि यहाँ पर एक्स बराबर 0 है, तो इसलिए बाय एक्स पर होगा। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, ये भी मैंने बताया था। अब क्वेश्चन देखिए कितने सिंपल आए। संख्या -7, -6, -9 और 8 का योग क्या हुआ, यानी इनको आपको जोड़ना है। ओके, ये आप कर लोगे। इसके बाद देखिए किसी संख्या 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए जोड़ वाले हैं, यहाँ पर आपको स्थानीयमान है ना, पूरा ब्रजकोर से ही क्वेश्चन पेपर आया है। ये मान वाला मैंने आपको के वाला बोला था, लेकिन उन्होंने संख्या चेंज करके बाय बराबर कर दिया है ना। ये आपका इसी प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताया तो वही आया है ना। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। ये 16 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 17वां है, ये 18वां है, 19 क्वेश्चन, 20, 21 है ना। ये आपका देखिए ये 22वां वाला तो एज इट मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने कर लिया होगा। ये 23वां भी मैंने ऐसे ही कुछ बताया था आपको, ठीक है। चलिए ये देखिए ये जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे वही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।